मैं हूँ आदित्य, लेके आया नई वीडियो आपके अपने ऑफिशियल कार चैनल पे। तो भाई आज मैं एक और जर्मन सेडान का शूट करने आ गया हूँ, जो कि हमारी स्कोडा की सुपर। ये भी बहुत लग्जरी गाड़ी है। इसमें अंदर हम बताएंगे आपको कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अगर आप लेने जा रहे हो तो कौन कौन से वेरियंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें दो वेरियंट्स आते हैं, एक दोनों ही पेट्रोल में आते हैं, एक स्पोर्ट्स लाइन और एक LNK लाइन, ठीक है। जिसकी स्पोर्ट्स लाइन की जो कीमत है वो 34 लाख तो रुपए से स्टार्ट होती है एक्स शोरूम प्राइस, और जो LNK स्पोर्ट्स लाइन है उसकी कीमत आपकी स्टार्ट होती है भाई 37 लाख से एक्स शोरूम से। और भाई ये दोनों ही जो वेरिएंट है ऑटोमेटिक में आ जाते हैं। चलिए फ्रंट से चालू करते हैं कि गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो भाई गाड़ी में सबसे पहले हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, विद DRS LED DRS LED हेडलैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको नीचे बम्पर्स में पूरे लाइट देखने को मिल जाती है विद क्रोम फिनिश। यहाँ आपकी जो ये आप ग्रिल की ग्रिल चेक करते हो, ग्रिल भी आपको पूरी क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्कोडा का लोगो देखने को मिल जाता है। सेंसर्स दिए हुए हैं, चार पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। यहाँ पे टोइंग हुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रेडिएटर इनटेक लिए और अच्छे से हवा रेडिएटर में जाए उसके लिए आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। ये ग्रिल भी उसी काम से आती है और भाई क्रोम का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। साइड प्रोफाइल की ओर चलें अगर इस गाड़ी के, तो भाई साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको अपोलो का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि 17 इंचेस का टायर आता है, ठीक है भाई। 17 इंचेस का ये अपोलो का टायर आ जाता है। फिर चारों टायर में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं और ये टायर का अगर आप ये देखोगे स्टांस तो ऐसा कुछ आ रहा है। और भाई इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 160-170 mm आती होगी, सेडान इतनी आती है इन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस। और भाई टायर भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, देख रहे हो टायर भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है इस गाड़ी का। यहाँ पे आपको ये बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ORVMS देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपर थोड़ा सा पियानो फिनिश है। पानी हो रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बारिश का मौसम चल रहा है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि ORVMS पे फ्लैश हो रहा है। यहाँ से आपकी पूरी क्रोम की जो फिनिश है ये पूरी कंटिन्यू होती है पीछे तक, और पीछे से फिर कंटिन्यू हो जाती है ORVMS मिरर तक। हैंडल आपको गेट के जो हैंडल है आपको बॉडी पेंट कलर में ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे जो है क्रोम का यूज़ ज़रूर देखने को मिलता है भाई। क्रोम का यूज़ ना आज की कंपनी भी बहुत ज़्यादा कर रही है, इसलिए लोग ना आजकल, पहले क्या होता था कि क्रोम लोग आफ्टर मार्केट लगवाते थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, लोग ज़्यादातर क्रोम डीक्रोम करवा रहे हैं गाड़ी, तो क्रोम हटवा देते हैं, पूरी गाड़ी डीक्रोम करा के ब्लैक करवा लेंगे, जो भी उनका प्रेफरेंस रहता है वो करवा लेते हैं। तो एक अच्छी मतलब थोड़ा नया लुक आ जाता है गाड़ी में, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है ना देखने में। गाड़ी का बोनेट खोल दिया, बोनेट में सबसे पहले अपन को यहाँ पे आइसोलेशन के लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके हाइड्रोलिक स्ट्रट्स लगे हुए हैं जो कि बोनेट को होल्ड कर रहे हैं। और भाई सेडान में, महंगी गाड़ी है लेकिन फिर भी सेडान्स में नॉर्मली हमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देखने को नहीं मिलते, स्कोडा ये चीज़ प्रोवाइड करती है। ये आपके सामने पूरा पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 2000 cc का 188 bhp और 300 कुछ Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये। और भाई मतलब पावर इस गाड़ी में अनलिमिटेड है, बहुत ही प्यारी पावर आती है इस गाड़ी में, ठीक है। तो आप इसका एक बार बोनेट के पूरा दर्शन कर लो भाई, कैसे क्या देखने को आपको मिल रहा है बोनेट में। यहाँ पे बैटरी प्लेस करी हुई है, यहाँ इसका फिल्टर प्लेस करा हुआ है, इसका इंजन है भाई, गाड़ी गर्म हो रही है, भपका मार रही है ना। और यहाँ पे इसका पूरा फ्यूल लीड वगैरह जो भी आप देखते हो, यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हो गाड़ी में। और ये आपका पूरा रेडिएटर है जिसमें आप इससे अपना वो डालते हो, कूलेंट डालते हो। यहाँ पर आपका वॉशर देखने को मिल जाता है, वाइपर वॉशर, जो जिससे विंडस्क्रीन साफ़ होती है। भाई काफ़ी बड़ा सा बोनेट आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में ना। रूफ़ की बात करें तो रूफ़ में आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा, जो कि पैनोरामिक नहीं आता, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके रूफ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको शार्क पिन एंटीना देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और सेम चीज़ भाई इस साइड भी आपको क्रोम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। और यहाँ पर आपको एज इट इज़ इंडिकेटर फ्लैश होता दिख जाएगा ORVMS मिरर्स पे, ठीक है। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर डोर की बात करें तो डोर में हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक में ये एक प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, फिर ये पियानो फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है, सिल्वर फिनिश में आपके हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपके चारों पावर विंडो के कंट्रोल से जो वन टच अप में आ जाते हैं, फिर ये वन टच अप एंड डाउन दोनों हो जाते हैं। जैसे कि मैं इसको छोड़ दिया, ये देखो मेरा हाथ ये है और ये बंद हो गया, मैं इसको दबा के फिर छोड़ देता हूँ और ये देखो ये वो हो गया। यहाँ पे आपका चाइल्ड लॉक वगैरह कुछ दिया हुआ है, ORVMS के कंट्रोल यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। या आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है कि आप गाड़ी का दरवाज़ा खींच के बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा स्पीकर देखने को मिल जाता है, 1 लीटर की पानी की बॉटल देखो यहाँ पे रखी हुई है, 1 लीटर की पानी की बॉटल आराम से आ सकती है, एक बिस्लेरी की बॉटल। और यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, स्कोडा की देखो बैजिंग नीचे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आपको लाइट डलती हुई देखने को मिल जाती है,
भाई यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट मिल जाती है विद स्कोडा ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स देखने को मिल जाती है। एक दो तीन तरीके से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं इसकी मेमोरी को। इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलती है, देखो मैं सीट को पीछे कर रहा हूँ क्योंकि मैं तभी तो आपको दिखा पाऊँगा ना। स्टेयरिंग से क्योंकि भाई सबसे पहले ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है तो उसको स्टेयरिंग पे ही नजर जाती है। स्टेयरिंग में बहुत छोटी छोटी डिटेल्स का इसमें यूज़ करा गया, जैसे कि ये पूरे क्रोम में बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे पूरे क्रोम में बटन दिए गए हैं, ये इसका लोगो या स्टेयरिंग की आउटरिंग कवर हो गई, ये पूरी आपको क्रोम में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम का यूज़ करा हुआ है, और स्टेयरिंग अगर आप टच करते हो ना तो काफ़ी अच्छी अपोल्स्ट्री का स्टेयरिंग, काफ़ी अच्छा लेदर यूज़ करा गया है स्टेयरिंग के अंदर, क्योंकि भाई स्कॉडा एक रिलायबल ब्रांड है और स्कॉडा ना हर कुछ यूज़ करके अपनी गाड़ी या फिर अपना जो उनका एक जो ट्रस्ट बना हुआ है लोगों का, भाई वो ख़राब नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका फर्स्ट जनरेशन से लेके अभी तक के जनरेशन में भाई इस पे जो ट्रस्ट करने वाले लोग हैं, जो स्कॉडा को पसंद करने वाले लोग हैं ना भाई, वो इधर से उधर नहीं हुए। गाड़ी में बहुत कुछ चेंज हुआ है, गाड़ी में बहुत कुछ अपडेट हुआ, लेकिन भाई वो बंदे चेंज नहीं हुए। जिनको स्कॉडा से प्यार है, जिनको जर्मन गाड़ियों से प्यार है, भाई उनको प्यार है, उनको वाकई में प्यार है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो नोब है भाई, इस पर भी देखो ना आप, तो काफ़ी अच्छा सा एक क्रोम का एलिमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हेडलाइट पूरा कंट्रोल कर रहे हो आप यहाँ से। यहाँ पे देखो आप पियानो फिनिश विद कंट्रोल क्रोम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्टीयरिंग पे आपके पूरे स्टीयरिंग बोल रहा हूँ एसी वेंट्स पे पूरा आपका क्रोम देखने को मिल जाता है। बीच में भी आपका यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन और एसी वेंट्स का पूरा क्रोम देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट में भी पूरा क्रोम देखने को मिलता है। भाई इंफोटेनमेंट में बहुत कुछ आता है, मैं अभी आपको इंफोटेनमेंट भी दिखाऊंगा, बीच के एमआईडी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। पहले ये सब ये बाकी चीज़ें देख लो आप। यहाँ पे आपको पूरा पियानो फिनिश देखने को मिलता है, जो कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है इसमें, ठीक है। और शायद इसकी आप मुझे बताना इसकी सीट में वेंटिलेटेड सीट आती है या नहीं। यहाँ पे प्यारा सा एक गियर नॉब देखने को मिल जाता है भाई, जो कि ना आपका पूरा क्रोम एलिमेंट्स के साथ आ जाता है, और स्कॉडा की ब्रांडिंग इस पर भी देखने को मिलती है। फिर आपका भाई ये पूरा जो आपका स्क्वायर शेप में जो क्रोम है भाई, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और एक तो क्रोम मालूम है क्यों इतना इसका उभर के आ रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी में हर जगह पियानो फिनिश का यूज़ करा हुआ है। जैसे ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ भी पियानो, ये चीज़ प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये चीज़ पूरी पियानो में है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रही चीज़ है ना। फिर आपका यहाँ पर आप जो बात करते हो आपके ग्लोब वॉक्स, भाई कोल्ड ग्लो वॉक्स देखने को मिलता है गाड़ी में, और डिसेंट सी स्पेस आ जाती है भाई इसके अंदर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर था, हाँ, तो ये पूरा आपको ब्लैक में पियानो फिनिश में देखने को मिलता है। वायरलेस चार्जर, ये 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे यूएसबी केबल का पोर्ट देखने को आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। भाई यहाँ पे आपके पार्किंग जैसे, मतलब इस पे देखो पी और स्टीयरिंग का साइन दोनों बना है, तो मेरे ख्याल से गाड़ी शायद ऑटो पार्क भी होती हो, तो ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको भाई पार्क पूरे कैमरा ऑन करने के 360 कैमरा ऑन करने का, यहाँ पे आपका बूट खोलने का ऑप्शन, यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट, ये सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस में अगर आपको मैनुअल टाइप में गाड़ी चलानी तो वो देखने को मिल जाता है। ट्रैक्शन का बटन, मोड्स के बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप भाई इस गाड़ी का हैंड ब्रेक ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग देखने को मिल जाती है, ये लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भाई आप कोई चाबी रख सकते हो या फिर अपनी ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो अगर आप कभी कहीं जा रहे हो उसके लिए। और भाई ये चीज़ ऐसी है कि ये बंद भी हो जाती है, अभी वायर है इसलिए बंद नहीं हो पा रही है। उसके बाद भाई अगर मैं इसको खोलूं तो भाई यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये भी शायद कोल्ड के साथ आ जाता है, और इसमें भी आपको यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको IRVM देखने को मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पे आपको आपका पूरा वैनिटी मिरर विद लाइट देखने को मिल जाती है। LED लाइट का हर जगह यूज़ करा हुआ है भाई इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट रखा है, इससे मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ, गिर जाएगा नहीं तो ना। और यहाँ पे भी आपका पूरा देखिए पूरी LED लाइट्स आ जाती हैं। यहाँ से आप अपना सनरूफ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप अपना रेयर का लाइट चालू कर सकते हो। ये चीज़ आपकी ये मतलब ऑन कर दोगे तो दोनों जल जाएगी, और नहीं तो इधर का काम है तो इधर की ऑन कर लो, ऐसा वाला सीन है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए आइए अब गाड़ी का ना एक बार ऑन करते इग्निशन और देखते हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलिए कर दिया भाई इग्निशन। देखो इग्निशन कितने अच्छे से पूरा डिजिटली आपको सारी चीज़ें आपको ये इग्निशन बता रहे हैं। मैं पहले AC ऑफ कर दूँ क्योंकि गाड़ी ना खड़ी हुई है भाई, और खड़ी गाड़ी पे AC चलाने का ना कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है भाई। तो इसको अपन ने कर दिया है ऑफ, इसको अपन ने कर दिया ऑफ, AC को कर दिया है बंद, ठीक है। तो अब भाई बीच में जल्दी से आप इसकी MID पे नज़र डाल लो, तो भाई यहाँ पे आपको ना इसी में आपको RPM भी और इसी में आपको स्पीड भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी गाड़ी पार्किंग मोड पे, यहाँ पे आपको एवरेज भी बता रही है गाड़ी कि कितने का एवरेज दे रही है। यहाँ पे प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट,
भाई, क्योंकि गाड़ी एक वो सेंस कर रही है ना कि यहाँ पे लाइट कम है, तो इसलिए वो लाइट का बोल रही है कि स्विच ऑन करो। अभी जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी ना, तो टायर प्रेशर का भी बता रही थी भाई, मतलब TPMS भी गाड़ी में, ABS भी है, सारी चीज़ें हैं, फ्यूल इंडिकेशन आता है, इंजन की चेक लाइट आ रही है, देख सकते हो गाड़ी में काफ़ी प्यार से। और एक डोर खुला हुआ है ना मेरे साइड का, तो उसका भी वो साइन दे रही है कि भाई डोर खुला हुआ है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल का गेज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका पूरा हीटर का गेज देखने को मिल जाता है, गाड़ी कितनी हीट हो रही है नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको MID में देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ से पूरी MID ना कंट्रोल भी कर सकते हो ना, जैसे देखो ऐसे करके आप पूरी MID कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, जैसे। और इसका वॉइस कमांड फीचर, हेलो स्कॉडा प्लीज ओपन सनरूफ, देखो यहाँ पे अभी सर्च कर रहा है कुछ, ओ कैरी, उसको समझ में ही नहीं आया भाई, बहुत ही हाईटेक है ना, जर्मन है ना भाई, इंडियन भाषा नहीं समझ पा रही है। कर दिया इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑन, और ये चीज़ मैंने कर दी है पूरी म्यूट, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का पूरा क्या बोलते हैं, आईफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो से भी, एप्पल कार प्ले से, दोनों से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें मेन्यू, नेविगेशन, ऐप्स, मीडिया, रेडियो, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे इसमें वॉइस का भी ऑप्शन आ जाता है ना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है, उस हिसाब से। फिर आप ये ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी, आप सारी चीज़ें यहाँ से गाड़ी में ले सकते हो। और भाई मुझे ओवरऑल बताऊँ तो मुझे इसका फ़ीचर जो है, इसके फ़ीचर्स मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छे लगे इसके फ़ीचर्स, है ना, इसका फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और MID जब आप बंद करते हो ना, तो ये देखो स्कॉडा सुपर कैसे बनी हुई आती है और ये घूम रही है, और यहाँ पे आपका आ जाता है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टाइम आ जाता है, स्पीड आ जाती है, एवरेज और एवरेज कंजम्पशन जो आता है, वो सारी चीज़ें इस पर एड्रेस हो जाती है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। चलते हैं पीछे वाले रो की ओर, और पीछे देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है ना। और भाई काफ़ी कमाल की गाड़ी है ना, काफ़ी कमाल की। हाँ एक चीज़ रह गई भाई, सनरूफ नहीं दिखाया मैंने आपको, आओ सनरूफ की ओर नज़र डालते हैं। इग्निशन को करा ऑन, और ये डालते हैं हम सनरूफ की ओर नज़र। ये देखो इसका सनरूफ खुल गया, ये खुल गया भाई, कितने प्यार से ओपन हो गया। और यहाँ से देखो आप पूरा नज़ारा सनरूफ का, कितना सही लग रहा है ना, तो सही लग रहा है भाई, गजब शानदार सनरूफ। और सनरूफ को अगर आपको बंद करना है तो आप यहीं से बंद कर सकते हो। हाँ इसका ब्लाइंड जो है इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं होता, इसका ब्लाइंड आपको अब मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा, लाइक दिस यू कैन फोल्ड दिस ब्लाइंड। कि अगर हम बात करें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको ब्लैक प्लास्टिक, पियानो फिनिश, क्रोम का एलिमेंट यूज़ करा गया है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, यहाँ पे भी देखो क्रोम का एलिमेंट यूज़ करा गया है, 1 लीटर की पानी की बॉटल, स्पीकर्स, सुपर की ब्रांडिंग विद स्कप प्लेट। और यहाँ पे आप ना इसको मैन्युअली आप लगा सकते हो, आपके पास मैन्युअली सनब्लाइंड लगाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की, अंदर की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी अपोल्स्ट्री आ जाती है। और इसकी अगर हम थाई सपोर्ट की बात करें तो हाँ भाई काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको हुक देखने को मिल जाता है, कोट हुक, और भाई सेम चीज़ ना आपको यहाँ पे भी कोट हुक के साथ ये चीज़ ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप ये दोनों लाइटें ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स विद क्रोम एंड पियानो फिनिश, और यहाँ पे AC वेंट्स को आप टेम्परेचर का अप एंड डाउन देख सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे आपको भाई 12 वोल्ट का सॉकेट विद कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। पीछे भाई एक चीज़ थी कि पीछे ना अगर कंपनी चाहती तो Type-B USB टाइप, टाइप सी टाइप के पोर्ट दे सकती थी, पीछे नहीं दिए उसमें। चलिए एक बार देखते हैं आर्मरेस्ट में दिए हैं कि नहीं भाई। तो आर्मरेस्ट इस गाड़ी का कुछ ऐसा देखने को मिलता है भाई, आर्मरेस्ट में भी कोई पोर्ट नहीं है अभी तक, तो जो हमने देखा है आर्मरेस्ट में भी अभी तक कोई पोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ आर्मरेस्ट जो है टिकने के लिए आपके लिए काफ़ी एक बेस्ट चॉइस हो जाएगी, जो ये आर्मरेस्ट है काफ़ी बेस्ट है टिकने के लिए। अगर 4 लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं तो बहुत कम्फर्टेबली इस गाड़ी में बैठ के जाएंगे। मेरे हेडरूम की बात करें तो भाई मेरा हेडरूम इतना आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, और मेरे बाल अगर ख़राब हो गए हो तो भाई माइंड मत करना, क्योंकि भाई गर्मी का टाइम, एक तो बारिश हो रही है, उमस हो रही है हम, और एक तो इंडोर शूट कर रहे हैं ना उसके कारण ना, और देखो लाइट भी नहीं आ रही होगी, अब थोड़ा सा लाइट आपको समझ में आएगी, तो उसके कारण ना दिक्कत हो रही है इसमें।
बाकी भाई अगर मैं अपने थाई नी सपोर्ट की नी गैप की बात करूँ तो नी गैप मेरे में इतना आ जा रहा है, और भाई यहाँ पे भी मतलब मैं बहुत अच्छी कुशनिंग का यूज़ करा हुआ है, बहुत अच्छा थाई सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपने थाई सपोर्ट दिखाऊँ तो भाई मेरा थाई सपोर्ट ना यहाँ तक का थाई सपोर्ट आराम से मुझे देखने को मिल रहा है गाड़ी के अंदर। और भाई ऐसा नहीं कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, क्लोस्ट्रोफोबिक फील होगा भी नहीं क्योंकि इतने बड़े बड़े विंडोज़ है, पूरी एयर ही गाड़ी बनाई हुई है, तो क्लोस्ट्रोफोबिक तो वैसे भी फील नहीं हो रहा गाड़ी के अंदर। गाड़ी काफ़ी मतलब सही लग रही है यार। एक कमाल का फीचर मैं आप लोग को दिखाऊं, लॉक हो गई, कुछ देर दबा के रखूँगा ORVM मिस भी बंद हो जाएंगे और इसका कांच भी जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, गाड़ी हो गई आपकी फुली लॉक। तो एक फ़ीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर आप कांच बंद करना भूल गए, रूफ बंद करना भूल गए तो आपको उसके लिए उतरना नहीं पड़ेगा, चाबी से ही काम हो जाएगा। रेयर की बात करूँ तो रेयर में आपको पूरी LED लाइट देखने को मिल जाती है, ये सारी चीज़ आपको LED आ जाती है। क्रोम का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा हुआ है, क्रोम का एलिमेंट यहाँ भी देखने को मिलता है, सुपर की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाती है, स्कॉडा की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाती है, पीछे भी आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है विथ 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। क्रोम का एलिमेंट यूज़ यहाँ भी करा हुआ है, डिफ्यूज़र्स में भी आपका क्रोम का यूज़ करा गया है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और भाई इलेक्ट्रिक बूट आता है। स्कॉडा सुपर की चाबी मैं इसको दिखाता हूँ, अगर आपके हाथ में सामान है दोनों हाथों में तो आप गाड़ी में कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है। पहली मैंने चाबी से कुछ भी नहीं दबाया था, चाबी सिर्फ मेरे हाथ में थी, चाबी आपके पास होना जरूरी है तभी आप बूट को एक्सेस कर पाओगे। राइट में आप बूट को ओपन कर सकते हो, लेफ्ट में आप बूट को क्लोज कर सकते हो। तो ये एक फीचर मुझे नहीं मालूम था, जो गाड़ी के ओनर है उन्होंने मुझे बताया ये फीचर, मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा। नॉर्मली बूट यहीं से खुलते हैं, ये वाला बूट तो आपका पूरा यहाँ से वहाँ तक खुलता है, और कुछ भी नहीं तो इस गाड़ी में 500 से ऊपर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, भाई काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो। और इस बटन को ही दबाने से बूट ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है इस गाड़ी का ना, ये देख रहे हो, ये कुछ फ़ीचर्स हैं इस गाड़ी के, भाई कमाल के फ़ीचर्स हैं। भाई अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो 66 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जो कि आपकी टोयोटा कैमरी में भी देखने को मिलती है। और इसका मैं फ्यूल लिड खोलता हूँ, गाड़ी पहले अनलॉक कर लूँ मैं एक मिनट को, उसके बाद मैं इसका फ्यूल लिड खोल के आपको दिखाता हूँ। ये हो गई गाड़ी अनलॉक और ये उसका फ्यूल लिड ओपन हो गया, यहाँ से आप फ्यूल डलवा सकते हो और ये 66 लीटर का फ्यूल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आराम से अब पुश करने से ही खुल जाता है, पुश करने से ही बंद हो जाता है, बंद हो गया तो इससे ही ये बंद हो जाता है। तो एक ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आइए गाड़ी के कलर्स की बात कर लेते हैं कि कितने कलर्स में आती है, तो भाई 6 कलर्स में आ जाती है, मून वाइट, ब्लैक, लावा ब्लू, इन साइड के 6 कलर्स में गाड़ी आ जाती है। एयर बैग में सेफ्टी की बात करें तो भाई गाड़ी जो है 5-स्टार रेटिंग लेके आई हुई है, और भाई स्कॉडा की गाड़ी है, इंजन वगैरह इस गाड़ी के काफ़ी तगड़े रहते हैं, स्कॉडा की गाड़ियों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बाहर हो रही है बारिश, जैसा कि आप लोग के सामने दिख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, तो और पीछे चल रहा है गाड़ी में काम, इसलिए मैं गाड़ी का जो इस वीडियो की एंडिंग है वो गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना, भाई कमेंट जरूर करा करो कि आपको गाड़ी में कौन सी पार्ट अच्छा लगा, गाड़ी कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं अच्छी लगी, किस गाड़ी पर वीडियो बनानी चाहिए, किस गाड़ी पर नहीं बनानी चाहिए। और भाई अब मैं आपको बता दूँ कि हाँ, 700 से प्लस हमारी फैमिली हो चुकी है, जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करा दो, जो कि मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, जितना जल्दी आप लोग कराओगे उतना जल्दी ही मैं एक नया प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू करूँगा, उस पर काम करना शुरू करूँगा। तो जल्दी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करा दो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि डेली अपडेट्स और रील्स वगैरह आपको वहीं पे देखने को मिलती है।